नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों से जिनकी इनकम 20,000 रुपये से कम है। अगर आपकी जड़ें भी गांव से जुड़ी हुई हैं और आपने अपना गांव छोड़ दिया है किसी शहर में रोज़गार पाने के लिए और आप 15,000, 10,000 या 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। तो आज का हमारा टाइटल है, अपना गांव मत छोड़ो, अपनी जड़ों को मत छोड़ो। गांव से शहरों की ओर प्रवास के पलायन के मुख्य कारण क्या है, पहले उनको समझते हैं। पहला है बच्चों की परवरिश और शिक्षा। ज़्यादातर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के गांवों में ये माना जाता है कि शहर में जाएंगे तो बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से होगी और उनकी शिक्षा भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। अभी तक अगर हम पिछले अपने जीवन के अनुभव को देखते हैं तो हमने काफ़ी सारे मजदूरों को देखा है जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से शहर की ओर पलायन किया। लेकिन अगर आप हज़ारों में से एक मज़दूर आपको ऐसा मिलेगा, हज़ारों में से एक प्रवासी ऐसा मिलेगा जिसके बच्चे शिक्षा के दम पर शहर में जाके सफल हो पाए हैं। कारण ये इतनी ख़राब परिस्थितियों में जीवन जीते हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश देना और एक अच्छी शिक्षा देना आसान नहीं होता है, कुछ अपवादों को छोड़ भर दिया जाए तो। दूसरा है अधिक और नियमित आय। शहर में जाएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी और रेगुलर इनकम होगी। ये रहस्य, ये भेद पूरी तरह कोरोना ने खोल दिया है। जैसे लॉकडाउन हुआ तो 7 दिन के खाने के पैसे नहीं बचे लोगों पर। अगर ज़्यादा इनकम हो रही थी तो आपके पास इतनी बचत होनी चाहिए थी कि आप महीने 2 महीने बैठ के खा पाते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज के महंगाई के युग में अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो बचत करना नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। तो बचत तो हो नहीं रही है, जो भी कमाते हैं और उसी दिन फूंक देते हैं, ना में उसका तनख्वाह, तन पूरी तरह खा जाता है, हाथ में बचता कुछ भी नहीं है। रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, ये स्थिति है। तो ये मिथक भी टूट गया है कि वहाँ पे अधिक आय होती है, ज़्यादा इनकम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो बेचारे मजदूर पैदल चल चल के घर गांवों की तरफ रुक कर रहे हैं, वो 2 महीने के लॉकडाउन में बैठकर खाने वाली स्थिति में नहीं रहे, काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। जीवन की बेहतर गुणवत्ता, इसको समझने के लिए हमने दिल्ली के कुछ उन एरियाज़ का भ्रमण किया और देखा वहाँ पे कि जो गांव से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों के जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, क्या वो बेहतर जीवन जीते हैं, क्या वो अच्छे हालातों में रहते हैं। तो अगर आप ऐसे स्थानों पर जाएंगे और वो मज़दूर खुद अपने आप जानते हैं कि वो जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, जिस तरह का आवास उनका होता है, जिस तरह का आसपास का पूरा माहौल उनका होता है, वो उनके गांव से भी ज़्यादा कई बार ख़राब हालत में उनका जीवन होता है। अंधेरे कमरों में, सीलन भरे कमरों में किराए से वो रह रहे होते हैं और जीवन के संघर्ष कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल, ख़राब माहौल होता है, साफ़ सफाई होती नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन होती नहीं है। तो जीवन की बेहतर गुणवत्ता तो हासिल है नहीं भाई उन लोगों को जो 10-15 रुपए कमा रहे हैं और गांव से शहरों के पलायन किए हैं। प्रतिष्ठा का प्रतीक, ये जरूर पॉइंट है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई हम दिल्ली रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, अहमदाबाद रह रहे हैं या कलकत्ता रह रहे हैं, चेन्नई रह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी सारी लड़कियों को भी रहता है कि भाई अपने शादी के बाद अपनी सहेलियों को बताएं कि हम अपने हस्बैंड के साथ कहाँ पर रहते हैं, कि दिल्ली में रह रहे हैं या कोलकाता बड़े शहर में रह रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। गांव में रह रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इसको प्रतिष्ठा से ज़रूर जोड़ लिया है। ज़्यादातर लोगों ने प्रतिष्ठा जोड़ लिया है कि बड़े शहर से आते हैं तो मोबाइल हाथ में होगा, चमक दमक भरे कपड़े होंगे, 2-4 दिन गांव में रहेंगे, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन क्या वो अच्छा इंप्रेशन आपको दिल की खुशी दे पा रहा है, वो मन का सुकून दे पा रहा है, या सिर्फ उन 2 दिनों के लिए आप साल भर कमाते हैं, एक महंगा मोबाइल और 2 अच्छी ड्रेस खरीद के गाँव वालों पर इंप्रेशन जमाने के लिए आते हैं और फिर से आप उसी मजदूरी की भट्टी में खप जाते हैं और पूरे साल मेहनत करते रहते हैं एक दूसरे व्यक्ति के लिए और जिससे आपको बचता कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन की चमक दमक, दीपावली होली पर आप अपने गांव में आए, 2 दिन की चमक दमक के लिए आप अपना पूरा जीवन खपा दिया है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो पिछले 35-35 सालों से काम कर रहे हैं, ना आज उनके पास सेहत है, ना आज उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास प्रतिष्ठा है, सिर्फ एक मन की संतुष्टि। किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है जीवन का, कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ एक अनवरत, थकाऊ, बोझिल, नीरस यात्रा पर चल पड़े हैं। पता नहीं है मंजिल क्या है, सोच क्या है, कहाँ पहुँचेंगे। आमदनी, अब आमदनी अगर कहते हैं कि ज़्यादा इनकम होती तो इसके लिए कुछ हमने रिपोर्ट्स उठाई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आती है 25 सितंबर 2018 की, इसके अनुसार 92% महिला और 82% पुरुष मजदूर की प्रति माह की इनकम 10,000 रुपये से भी कम है। 92% महिला, 82% पुरुष मजदूर 10,000 रुपये से भी कम कमाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 रुपये से भी कम कमाना, 2018 की रिपोर्ट है, आज 2020 चल रहा है, तो हम कितना मान लें, 10,000 मान लें, 10,000 कमाते हैं, क्योंकि ये तो कम बता रहा है।
अगर 10,000 भी कमाते हैं तो जीवन की स्थिति क्या होती होगी वो आगे आपको स्पष्ट होने वाला है। एक आंकड़े एक और आंकड़ा हमने लिया न्यूज ऑफ बिजनेस लाइन द हिंदू, द हिंदू बहुत बड़ा एक पब्लिकेशन हाउस है, उसके अनुसार 12 जनवरी 2018 की रिपोर्ट हमने उसकी पढ़ी, केवल 76 लाख भारतीय की आय 5 लाख से ऊपर है। अब 76 लाख सिर्फ 5 लाख, 5 लाख का मतलब हो गया लगभग 40-42 हज़ार रुपये महीना। तो इसका तात्पर्य हुआ, और इसमें सैलरीड लोग तनख्वाह वाले लोग ज़्यादा हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग भी ज़्यादा हैं। ये माननीय श्री अरुण जेटली साहब ने संसद में कहा था जब वो बजट तैयार कर रहे थे, उस समय वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने संसद में कहा था। जो इनकम टैक्स के डेटा आते हैं उसके अनुसार पता चला तो 42,000 के आसपास केवल 76 लाख 1,30,00,000 में से, तो इसका मतलब ज़्यादातर लोगों की इनकम 10,000 से कम ही है। सितंबर 2018 में प्रकाशित लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अजीज प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक रिसर्च की गई, उसके अनुसार नियमित कर्मचारी की औसत आय 13,562 रुपये महीना है और गैर नियमित कर्मचारी की औसत आय 5,853 रुपये प्रति महीना है। अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी ये रिपोर्ट कहती है जो लाइव मिंट में प्रकाशित हुई है। 5,853, सोचिए क्या स्थिति है। जो लोग गांव से शहर की ओर गए हैं बड़े सपने लेकर के, उच्च सपने लेकर के, बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के, वो किस तरह का जीवन इतने पैसे में जी पाते होंगे। कोरोना के प्रभाव, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। जाने कितने परिवार जो शहरों में फंसे हुए थे, गांव को भूल बैठे थे, पूरी तरह से शहर के जीवन में खोए रहते थे, दिन रात मेहनत परिश्रम संघर्ष मजदूरी की बट्टी में तप रहे थे, खप रहे थे, जीवन झोंक रहे थे, उन्होंने कोरोना ने उन्हें क्या सिखाया देखें। आपकी बचत शून्य है, आप कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। अगर आप बचा पाते तो आप वहाँ टिके रहते, जो अच्छी सैलरी वाले लोग हैं वो टिके रहे वहाँ पे। शहर में आपका कोई भविष्य नहीं है, शहर में कोई भविष्य नहीं है आपका, सिर्फ आप कमाइए खाइए सो जाइए, कमाइए खाइए सो जाइए, इसी तरह जीवन बिता दीजिए पूरा। शहर में कोई भी मित्र नहीं है, प्रिय और निकट नहीं है। मकान मालिक जिसके साथ आप काफ़ी लंबे समय तालमेल बैठा रहे थे, 2-4% भले मकान मालिकों को छोड़ दिया है तो भले ही है, अन्यथा किसी भी मकान मालिक ने अपने किराएदार का किराया माफ़ नहीं किया। 2-4 भले सेठ लोगों को छोड़ दिया है तो ठीक है, अन्यथा 95% ज़्यादा सेठ लोगों ने आपको तनख्वाह नहीं दी। सेठ बेचारा कहाँ से देता, सेठ की इनकम होना भी बंद हो गई थी, तो आपका कोई भी वहाँ पर प्रिय और निकट नहीं है। 15 दिनों तक बैठे रहने के बाद आप खाना नहीं खा सकते, आप 15 दिन बैठ गए तो आपके पास भोजन जुटाने के पैसे नहीं है। तो जब 15 दिन आप नहीं बैठ के खा सकते तो आप कर क्या रहे हैं शहर के अंदर, क्यों अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। खर्चों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम, शहर और गांव का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला है किराया, शहर में रहेंगे तो भाई किराया तो देना पड़ेगा, छोटे छोटे कमरों में फैमिली सहित रहते हैं तो 3,000 से 4,000 के रूप में किराया है। बड़े जो शहर हैं आपके अहमदाबाद हैं या कोलकाता हैं, 3,000 मान लें मिनिमम। लेकिन गांव में ज़्यादातर लोगों के पास खुद के घर होते हैं, गांव में कोई किराया से नहीं रहता या झोंपड़ी होती है, तो गांव में आपका किराया है शून्य, जीरो। गांव में आपको किराया नहीं देना है, अपनी झोंपड़ी में भी जाएंगे उसको दुरुस्त कर लेंगे, किराया नहीं देना। दूध आपको 1 लीटर दूध भी लेंगे आप 70 रुपये लीटर के हिसाब से तो लगभग 2,000 रुपये आपका आएगा महीने का। लेकिन गांव में आप खुद की भैंस रखेंगे, खुद की गाय रखेंगे तो दूध का खर्चा आपका नहीं होगा। फल सब्जियाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी बाज़ार से ही, तो 3,000 रुपये 100 रुपये पर डे का एवरेज भी निकाले तो 3,000 रुपये आपके फल सब्जियों में जाएंगे। ये गांव में आपका शून्य है, क्योंकि गांव में लगभग सभी लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है या घर के आसपास जगह रहती है जहां पे वो अपनी खपत के लायक फल सब्जियां उगा सकते हैं। हमने अपने गांव में देखा है कि बहुत सारे लोग बरसात के दिनों में लौकी तोरई कद्दू टमाटर मिर्ची ये अपने आसपास छोटे से जगह में उगा लेते थे और उनके घर का खर्चा चलता रहता था, उससे उपभोग के लिए आती रहती थी। तो फल सब्जियों में अगर आप गांव में आपका खर्चा शून्य होगा, राशन पानी गांव में मंगाना पड़ेगा शहर में भी मंगाना पड़ेगा, तो गांव में अपेक्षाकृत तो रेट कम रहती है राशन पानी की, क्यों गांव में आप गेहूँ खरीदेंगे अगर आपके पास गेहूँ नहीं आपने उगाए हैं तो, और शहर में खरीदेंगे आटा तो उनकी रेट में अंतर रहने वाला है। गांव में दाल खरीदेंगे या तेल खरीदेंगे और शहर में खरीदेंगे तो उनकी रेट में अंतर रहने वाला है। तो राशन पानी का खर्चा 6,000 रुपये आपका औसतन जाता है, गाँव में ये हम आधा मानेंगे 3,000 रुपये के आसपास आएगा। बच्चों की शिक्षा, आपको बच्चों की शिक्षा के लिए आप शहर में गए हैं लेकिन वहाँ पे भी आप टॉप क्लास स्कूल में तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, चिंटू कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। एक साधारण औसत स्कूल वहाँ पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, वो तो आपके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिनिमम 6,000 रुपये तो आएगा ही। गाँव में हम 5,000 रुपये मान लें कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हम, आने खर्चे 2,000 रुपये। तो शहर में आपकी जो ऑन एवरेज जो खर्चे जाते हैं वो 22,000 रुपये के आसपास आते हैं और आपको तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये, आपको तनख्वाह मिलती है 15,000 रुपये, आपको तनख्वाह मिलती है 8,000 रुपये। तो इन 8,000 रुपये में, इन 10,000 रुपये में, इन 12,000 रुपये में आप इस 22,000 रुपये के खर्चे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए आप अर्थशास्त्र के पुरस्कार के हकदार हैं।
कि भाई आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप घर का खर्चा चला रहे हैं, ये हम मतलब आपका जीवन कितना दुखमयी है, कितना कष्ट भरा है, कितना मुश्किल है, इस बात को हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में चार लोगों का परिवार, पति पत्नी और दो बच्चों का परिवार आप चला रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं। गाँव में ये खर्चा आपका हो जाता है 10,000 रुपये, या आपको अगर 22,000 रुपये चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण जीवन के लाभ। ग्रामीण जीवन के लाभ क्या हैं? भरपूर इज्जत और पूछ परख। गांव में कहीं भी कोई फंक्शन होगा, शादी विवाह होगा, कोई धार्मिक आयोजन होगा, तो आपको बुलाया जाएगा, आपके समाज में आपको बुलाया जाएगा, आपकी भरपूर पूछ परख होगी, स्वयं आदमी आपको मिलेगा, नमस्कार करेगा, राम राम करेगा, दुआ सलाम करेगा, सत श्री अकाल करेगा, पूछ परख भी होगी। लेकिन शहर में कोई इज्जत नहीं है, शहर में आप नौकर हो एक सेठ के, कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहे हो आप, हलवाई की दुकान पर नौकरी कर रहे हो आप, या किसी और दूसरी दुकान पर नौकरी कर रहे हो, वहाँ आपकी इज्जत नहीं है कोई भी, आप सेठ को सलामी देते हो, सेठ आपको सलामी नहीं देता है, और ना वहाँ आपकी कोई पूछ परख है कि वहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, आपकी पूछ परख होगी, लेकिन गांव में आपकी पूछ परख होगी। दूसरा, शुद्ध हवा और पानी। अगर आप दिल्ली की हवा को देखें तो कोरोना काल में जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स सही हो गया था, दिल्ली की हवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा नापने का पैमाना है, उसके हिसाब से दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर से कई गुना ऊपर जा चुकी है, और गैस चैम्बर की तरह हिटलर ने नाजियों को मरवाने के लिए जो गैस चैम्बर बनवाए थे, जहाँ पे उन नाजियों को गैस चैम्बर बंद कर दिया था, दम घटने से मौत हो जाती थी, कुछ इसी तरह दिल्ली की हवा हो चुकी है, और सारे महानगरों की हवा इतनी ही गंदी हो चुकी है। इतनी गंदी हवा में आप सांस ले रहे हैं, अस्थमा, सांस संबंधी, दिल संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोग होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत केसेस आ रहे हैं। भारत में हर साल 12 लाख लोग प्रदूषण जनित होने वाले रोगों से मृत्यु होती है, 12 लाख लोगों की, आप गूगल पर जाकर डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। गांव में क्या है? शुद्ध हवा और पानी। हवा आपको शुद्ध मिलेगी, पानी भी शुद्ध मिलेगा। बड़े शहरों में आपको पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, नल का पानी नहीं है, आपको बोतल मंगवानी पड़ रही है। गांव में आपके कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी शुद्ध है, उसकी TDS वैल्यू उस शहर वाले पानी से ज़्यादा अच्छी है। रिश्तेदार और पुराने दोस्तों के साथ मजबूत संबंध। आपके रिश्तेदारों के साथ या पुराने दोस्तों के साथ संबंध कब रहेंगे? जब आप उनको समय देंगे, जब आप उनको निकट आकर के निकटता से, समीपता से उनको सींचेंगे, रिश्तेदारों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे, किसी के यहाँ पे कोई अच्छी बात होती है या किसी के यहाँ पे गम का माहौल होता है तो आप खड़े रह पाएंगे, तो आपकी निकटता रहेगी। आप पड़े हुए हैं पटना, दरभंगा जिले के रहने वाले हैं आप, और आप पड़े हुए हैं अहमदाबाद में, 2,000 किलोमीटर दूर चेन्नई में, तो आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, अगर उनके यहाँ पे कोई किसी रिश्तेदार की कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अच्छा काम होता है, तो आप उसमें शामिल नहीं हो पाते। जब आप उसमें शामिल ही नहीं हो पाते हैं तो संबंधों में निकटता कहाँ से रह जाएगी, आपके संबंध कमज़ोर होने लगेंगे निश्चित तौर पर। पुराने दोस्तों से भी आपके संबंध कमज़ोर होने लगेंगे, क्योंकि आप उन्हें मिल ही नहीं पा रहे हैं। आप किसको मिल रहे हैं? आप सुबह शाम अपने सेठ को मिल रहे हैं, उसकी जी हजूरी कर रहे हैं, तो आपके रिलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको भाई अपना घर चलाना है, तो घर चलाना तो ज़रूरी है, घर चलाना है तो सेठ से अच्छे तालुका रखने ही पड़ेंगे, और रखना भी चाहिए, क्योंकि रोज़गार जो है सर्वोपरि हो गया है। अब चौथा फायदा, शांत और सरल जीवन। शहर में कोलाहल है, बहुत सारे मजदूरों को हमने देखा है कि वो साइकिल से दिन भर दिल्ली जैसे महानगर में, अहमदाबाद जैसे महानगर में पोताई करने के लिए फिरते रहते हैं, साइकिल से फिरते रहते हैं। अब साइकिल से फिरने में कितना सारा ट्रैफिक है, कितना कोलाहल है, इधर से हॉर्न बज रहा है, उधर से शोर हो रहा है, शोर ही शोर है, लेकिन गांव में क्या है? शांत और सरल जीवन है। पांचवा पॉइंट है, परिवार के लिए पर्याप्त समय। अगर आप देखेंगे जो लोग गार्ड का काम भी करते हैं वो 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, 12 घंटे की नौकरी में 14 घंटे वो घर में लौट कर आ पाते हैं, तो परिवार के लिए उनके पास कोई समय नहीं। जब शाम को आते हैं तो घरवाली से झगड़ा होता है उनका, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उनका इतना हो जाता है दिन भर का, घरवाली ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, तो बच्चों पे वो चिल्ला पड़ते हैं, घरवाली से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन गांव में रहेंगे तो आपके लिए परिवार के पास, परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मौजूद होगा। छठवां पॉइंट है, विषाक्त मिलावट से मुक्त भोजन। शहर का जितना ही भोजन है, फल सब्जियाँ भी आ रहे हैं वो इंजेक्शन से लग के आ रहे हैं, और जो भी आप मसाले खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, सब में जहरीली मिलावट है। उस जहरीली मिलावट का भोजन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप अपने परिवार को दे रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होगा। गांव में आप खुद अपना भोजन चुनते हैं, खुद आप अपने भोजन के निर्माता होते हैं, तो विषाक्त मिलावट से आपका भोजन मुक्त होता है। सबसे बड़ा सवाल, गांव में रोजगार के लिए हमें क्या करना चाहिए, या चार लोग क्या कहेंगे? ये जरूर मन में आता है कि हम शहर से गाँव में आ जाएंगे तो हमारी इज्जत, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि हम शहर में काम कर रहे हैं तो हमारी इज्जत है। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में है ऐसा कि नहीं है, और गांव में अगर हम आते हैं, लौट कर आते हैं, तो हमें रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, आगे की स्लाइड्स में इसकी चर्चा करेंगे। चार लोग क्या कहेंगे, कठिनाई के समय में ये चार लोग आपका समर्थन करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। जब आप कष्ट में थे तो जिन चार लोगों की आप परवाह करते हैं, क्या ये चार लोग आपके सहयोग के लिए आप कभी खड़े हुए? जब आपको परेशानी आई, जब आप पैदल चल रहे थे दिल्ली मुंबई में, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये चार लोग आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते।
क्या ये चार लोग, दूसरा पॉइंट, आपको बच्चों की शिक्षा, पत्नी की बीमारी या बेरोजगारी की समय में मदद करते हैं क्या? हमें लगता है इसका जवाब ना होगा। ये चार लोग कभी मदद नहीं करते आपकी, जिस समाज से आप डरते हैं वो समाज कभी मदद करने के लिए नहीं आता। इन चार लोगों ने कभी आपके साथ कुछ अच्छा किया है? समाज ने कुछ अच्छा कर दिया हो, आप संकट में चल रहे हो, आपका रोजगार नहीं हो, आपको बैठ के खाना खा दिया हो? कभी नहीं किया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। करने कहने वाले कहते रहते हैं, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। इसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। क्या कहेंगे, अगर आप सही काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, कहने वालों को कहने दीजिए। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए पूरी तरह से। गाँव में गुजारा कैसे करें, अभी गुजारे की बात हो रही है, अभी रोजगार की बात नहीं हो रही है। पहला है, अगर आप गाँव लौट के आते हैं तो आपको एक दुधारू पशु जरूर पालना चाहिए, एक भैंस या गाय आपको जरूर पालनी चाहिए, ताकि आपके घर की दूध की पूर्ति हो पाए। दूसरा, आप अपने उपभोग के लिए सब्जियां उगाएं। आपके घर के पास अगर आपके पास जमीन है, बहुत सारे लोगों के पास जमीन भी नहीं है, आपके घर और ज़्यादातर लोगों के पास जमीन है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन है या घर के पास जगह है तो उसमें अपने उपभोग के लिए सब्जियां उगा लें। लौकी, तोरई, भिंडी, टमाटर, आलू अपने उपभोग के लिए उगा लें। हमें लगता है कि आधा बीघा से भी कम जगह में, 1/4 बीघा में आपका काम चल जाएगा उन सब्जियों के लिए। एक परिवार के लिए, चार लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त होता है उतना। दूध से अपने परिवार के लिए दही, छाछ, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद तैयार करें। जो दूध दुधारू पशु आपने पाला है उससे आपकी दही, छाछ, पनीर, घी, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट आपकी पूर्ति के लिए बात हो रही है अभी सिर्फ, ये आपके परिवार के लिए हो, ताकि आपका भोजन आप खुद निर्धारित है उसके। फिर आपके उपयोग के लिए पपीता, अमरूद, नींबू जैसे फलों के पौधे उगाएं अपने उपयोग के लिए। पपीता, अमरूद, नींबू आंगन में लग जाते हैं, बहुत बड़ा जगह नहीं इनके लिए चाहिए। इसका मतलब है आपके भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांव में अगर आप गए हैं तो भोजन आपको खुद ही अपना पैदा करना है, खुद उगाना है। ये अभी भोजन की बात हो रही है, अभी रोजगार की बात नहीं हो रही है। आपको खुद भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। अब रोजगार के साधन, क्या रोजगार के साधन होने चाहिए? पहला है पैकेज मसालों का व्यवसाय। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहरों के अंदर सारे मसाले पैकेज बिक रहे हैं, पैकेट में बिक रहे हैं, तो आप गांव में दो चार दोस्त मिलकर के, दो चार परिवार मिलकर के पैकेज मसालों का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर बिजनेस में, सबकी हम बात करेंगे, हर बिजनेस में क्या करना है आपको, कि दो फैमिली, तीन फैमिली को साथ आना है और साथ आकर के आपको पैकिंग करनी है। पैकिंग करके आपको गुणवत्ता का, क्वालिटी का ख्याल रखना है। क्वालिटी में कभी कम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि एक बार आपने नाम कमा लिया ना तो पैसा तो कम जाएगा। अगर आपने क्वालिटी में छेड़छाड़ की तो आप नाम भी नहीं कमा पाओगे, पैसा भी नहीं कमा पाओगे और परेशान हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन इधर उधर होके भागते रहोगे, आप निश्चित डायरेक्शन नहीं जा पाओगे। आपको पहला काम है कि आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिए। पैकेज मसालों का व्यवसाय, धनिया, हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, नमक, जितने भी मसाले हैं आप उनको पीस करके, इनके पीसने के लिए कोई बड़ी उनकी आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चक्की, हाथ वाली चक्की हैं और जो आपके ये मसाले वाली चक्की आती है, बहुत महंगी नहीं आती पीसने वाली, उन चक्कियों से पीसिए, खुद की पैकिंग कीजिए। और आपका जो पास वाला कस्बा है, जैसे आप दरभंगा जिले के हैं तो दरभंगा जिले में आइए, अगर आप पटना जिले के हैं तो पटना जिले में आइए। अगर आपका गांव शहर के नज़दीक है तो सोने पे सुहागा है। नज़दीक वाले शहर में जो भी आप क्या कीजिए, चार लोगों की टीम है, उनमें से तीन लोग तो पैकिंग एंड प्रोडक्शन में शामिल रहेंगे, एक आदमी मार्केटिंग करेगा, साइकिल से पूरे शहर में घूमेगा, सारे व्यापारी से कहेगा साहब हमने मसाला बनाया। धीरे धीरे आपको साल दो साल लगेंगे लेकिन आपका काम सेट हो जाएगा। दूसरा, गेहूँ के आटे की चक्की। गेहूँ के आटे की चक्की कहीं नहीं कि आप गांव का आटा पीस रहे हैं, आपको गेहूं के आटे का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आजकल शहरों में सभी लोग रेडीमेड आटा खरीद रहे हैं, सभी आटा पिसवा नहीं रहे हैं। आपको आटे का प्रोडक्शन शुरू करना है और वो वही काम करना है कि तीन लोग प्रोडक्शन करेंगे, एक आदमी शहर में उसकी मार्केटिंग करेगा। और अब पहले छोटे स्तर पर करना है आपको, फिर आप धीरे धीरे बड़े स्तर पर पहुँच जाएँ तो आप उसका लाइसेंस वगैरह लेकर उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस आगे बहुत विकास करने वाला है, खासकर जो आर्मी वगैरह हैं, नवोदय विद्यालय वगैरह हैं, जो आवासीय विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह हैं, रेसिडेंशियल कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे आटे की काफ़ी डिमांड रहती है। अगर आपने नाम कमा लिया तो आपकी जब इस तरह इन जैसे लोगों से टाई अप हो जाएंगे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, बड़े स्कूल का, जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसके हॉस्टल से आपका टाई अप हो गया, या आपके पास में जो आर्मी का कैंट है उससे आपका टाई अप हो गया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैविक खाद गोबर से, अभी आपने देखा कि रासायनिक जो खाद है बहुत उगाई गई, बहुत पैदा की गई पिछले 50 सालों में, किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया और फिर से अब ऑर्गेनिक खेती पे लोग आ गए लौट करके। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो रासायनिक खाद है वो हमारी मिट्टी को जहरीला बना रही है, कैंसर का कारण बन रही है। अब उसके बजाय लोग जैविक खाद की ओर मुड़ रहे हैं और मुड़ेंगे आगे। ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है कि आप अपने गोबर से खाद बनाएं, और खाद बनाना बड़ा आसान काम है। गोबर से, गोबर का आप चाहें तो गोबर के प्लांट लगा लीजिए, उसके बाद गोबर बचे उससे खाद बना लीजिए, या केंचुए से खाद बना लीजिए। ये गोबर खाद का बिजनेस पैकिंग करके स्टैंडर्ड तरीके से आप इसे करेंगे तो इसका भविष्य का ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है।
बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ये आपके रासायनिक खाद समाप्त होने वाले हैं, ये तय है। अगला है डेयरी व्यवसाय, दूध दही की अवस्था सभी को है, अमूल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि अमूल में गुजरात में कुछ महिलाओं ने मिलकर के किस तरह का संकट खड़ा कर दिया। तो आप भी अपने गांव में दो चार परिवार मिलकर के डेयरी बिजनेस शुरू कीजिए, और वही बात हम फिर से दोहराएंगे कि आपको पास वाले शहर में जो आपके नज़दीक बड़ा सा शहर है, बड़ा सा जिला है, वहाँ पर मार्केटिंग करनी है। लेकिन बात वही ध्यान रखनी है कि क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं होना है। आप जो घी बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता शानदार होनी चाहिए, जो पनीर बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए। एक बार ग्राहक के मुंह लग जाए तो ग्राहक फिर आप ही की डिमांड करें। कुकिंग ऑयल मिल, भाई सरसों का तेल निकालने वाला या जो भी कुकिंग ऑयल आपके यहाँ चलता है उसका मिल आप गाँव में लगा लीजिए। अभी आप छोटे स्तर पर लगाइए, उसको शहर में बेची लिया करके, पर डे आप जो है उनसे, जो दुकानदार हैं उनसे टाई अप कीजिए। धीरे धीरे आपका वहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप विश्वास जीत पाएंगे। आप सोचे मैं शुरुआत करूँगा दुकानदार क्यों रखेगा, समय लेगा वही टर्म्स बनाने में। जैसे आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके टर्म्स बन गए थे, तो ये आप तो नज़दीक हैं, आपके टर्म्स बनेंगे और आप क्वालिटी देंगे। तो क्वालिटी भाई देर और सवेर क्वालिटी जरूर बोलती है, जरूर बोलती है, क्वालिटी चमकती है, रुक नहीं पाती है। बाबा रामदेव ने इतने बड़े बिजनेस के बावजूद भी, हम यहाँ पे उसकी बाबा रामदेव के प्रशंसक नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि पतंजलि ने इतने बड़े मतलब कठिन समय में भी अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। क्यों कर लिया कि काफ़ी सारे लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स को पसंद किया, शायद उनको उसकी गुणवत्ता अच्छी लगी होगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हल्दीराम बहुत बड़ा उदाहरण है, हल्दीराम ने गुणवत्ता में आप भरोसा करते हैं हल्दीराम के ऊपर। तो एक बार अगर आपने ग्राहक का भरोसा जीत लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कोई भी चीज़। मेन चीज़ है कि आप भरोसे को जीत पाएँ, और भरोसा जीतने के लिए आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। कुकिंग ऑयल मिल की बात होगी, अब हम आगे और कर रहे हैं, आगे और बढ़ रहे हैं और हम बात करते हैं रोज़गार के कुछ और साधन की। केचप, पापड़, अचार, केचप बनाने के लिए, केचप मतलब सॉस, टमाटर से सॉस बनाने के लिए कोई विशेष ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ी छोटी चीज़ें। पापड़, अचार, शहरों में कौन अचार डाल रहा है आजकल, पापड़ कौन बना रहा है, इसका उत्पादन शुरू कीजिए और शहर पास वाले शहरों में बेचिए, या आप डायरेक्ट अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाकर के अपना पैकेट बना करके उसकी वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। नमकीन बिस्किट का कारोबार, नमकीन बिस्किट बनाना भी बड़ा आसान काम है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल स्किल, पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। दो चार परिवार मिलकर के कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में इसे शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन की मरम्मत, जिनका इंटरेस्ट है वो इसको सीख लें और अपना जो जिला है वहाँ पर कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन की मरम्मत का काम करें। बेकरी प्रोडक्ट, आपके रस्क हैं, ब्रेड हैं या केक हैं, बर्थडे केक हैं, इसका बिजनेस के लिए भी स्पेशल स्किल्ड स्किल नहीं चाहिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, अगर आपने प्लम्बिंग सीखी है, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा है, मैकेनिक का काम सीखा है, तो आप ये काम नज़दीक वाले शहर में कर सकते हैं। ईंट भट्टे का व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी, निर्माण हमेशा जारी रहेंगे, तो निर्माण हमेशा जारी रहेंगे तो आप ईंट भट्टे का काम भी कर सकते हैं मिल करके। अगर अनाज का कारोबार, अनाज तो भाई सब खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अनाज, दालें, तिलहन, दलहन सभी खाने हैं, तो आप गांव से अनाज खरीदिए, उसे साफ़ कीजिए, अच्छे पैकेट्स बनाइए कि दाल का हमने 1 किलो का पैकेट बनाया साफ़ करके, और उसे आप शहरों में टाई अप करके उसे बेचिए। मोमबत्ती बनाने का बिजनेस, कैंडल मेकिंग बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, विदेशों में कैंडल्स की काफ़ी डिमांड है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी डिमांड है, तो आप कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन, मशरूम की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आजकल मशरूम बड़े लोगों में और मध्यम वर्गीय लोगों में आ गया, पहले मध्यम वर्गीय लोग नहीं खाते थे मशरूम, केवल बड़े लोग ही खाते थे, अब मध्यम वर्गीय लोगों में भी आ गया है। मशरूम का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, बहुत कम जगह में इसका प्रोडक्शन हो जाएगा और काफ़ी महंगा भी बिकता है मशरूम, तो इसका उत्पादन आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेकर के करना है आपको, ये 15 दिन की ट्रेनिंग आपको किसी अच्छा जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ से मिल जाएगी, उनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। सब्जी और फलों जैसी व्यावसायिक फसलें, आप जो पारंपरिक फसलें करते हैं उनकी बजाय क्या कीजिए, सब्जियाँ और फल उगाइए, कॉमर्शियल फसलें कीजिए, उन्हें बेचिए। एलोवेरा जैसी औषधि फसलें, बहुत सारी कंपनियों को एलोवेरा, आंवला, तुलसी, नीम जो औषधि पौधे हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे जयपुर में बहुत सारे लोग आंवला उगाते हैं और जो कंपनियां आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाती हैं या औषधि फसल प्रोडक्ट बनाती हैं उनको बेचते हैं। परिणाम क्या आएगा इसका, तनाव का स्तर नीचे जाएगा। शहर में आप लगातार तनाव में रहते हैं, पूरे दिन तनाव में रहते हैं, किराया लगातार चल रहा है, मतलब आपको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए पर डे पैसा चाहिए, तो तनाव का जीवन तो है वे। आप अगर ऑटो रिक्शा चलाते हैं और आपको सवारी दिन भर नहीं मिली तो आप निराश हो जाते हैं, सेठ के यहाँ दिन भर लगे रहे, किसी बात पे आपने गड़बड़ कर दी, सेठ ने आपके ऊपर चिल्ला गए या नाराज़ हो गए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, किसी महीने सेठ ने आपकी सैलरी भी डेड कर ली, 10 दिन लेट कर दी, तो आप तनाव में रहते हैं, तो तनाव का स्तर नीचे आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के, बहुएँ अपने बूढ़े माता पिता को गाँव में छोड़कर मजबूरी बस शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके माता पिता अकेले उनके आने की राह तकते रहते हैं कि साल में मेरा बेटा दीपावली पे या होली पे आएगा,
तो उनकी आंखें जो है खुशी से चमक जाती हैं उस समय आते हैं। तो आप माता पिता के साथ रहेंगे तो बूढ़े माता पिता को एक कंपनी मिल जाएगी, बूढ़े माता पिता खुश होंगे, व्यापार 2 साल में सेट हो जाएगा। आप ईमानदारी से, लगन से, उत्साह से करेंगे, जिस मेहनत से आप सेठ के यहाँ ड्यूटी करते हैं, बनिया की दुकान पर ड्यूटी करते हैं, उसी मेहनत से अगर आप अपना काम गांव में करेंगे। होता क्या है कि जो लोग सेठ की दुकान पर तो मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जब वो अपने काम को करने करते हैं ना, तो फिर वो मेहनत से नहीं करते हैं, उसमें वो लापरवाही करते हैं, फोकस्ड होकर नहीं करते। फोकस्ड होकर करेंगे तो 2 साल में सेट हो जाएगा, छोटी छोटी बचत शुरू हो जाएंगी आपकी और आपका जीवन बेहतर होगा। किशमिश का उत्पादन भी कर सकते हैं आप इसमें। किशमिश बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अंगूर लीजिए, अंगूरों से बड़े आसानी किशमिश बन जाती है। अलग अलग तरह की किशमिश बनाइए, दुनिया भर की किशमिश बनाइए, आप कमरे कमरा इकट्ठा कीजिए, किशमिश बेचिए। पोटैटो और केले के चिप्स, ये भी बड़ा आसान काम है। बड़ई गिरी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मटके या गुल्लक, और भी मिट्टी के बर्तनों की आगे डिमांड आएगी। ये डिस्पोजल ग्लास वगैरह आपके आगे बंद होंगे, प्लास्टिक के बैन प्लग भी लगेंगे और लोग भी समझ भी रहे हैं प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को, तो मिट्टी के बर्तन फिर से ट्रेंड में आएंगे। बड़ेगिरी कारपेंट्री का काम तो हमेशा डिमांड में रहता है, आप चाहें तो बगल के शहर में अपना कारपेंट्री का काम शुरू कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये स्किल मौजूद है। अगला पॉइंट है ग्राम पर्यटन। ग्राम पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर कोई भी सरकार या गाँव ध्यान नहीं देती है। अगर आपके गाँव में कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, अगर आपके गाँव में कुछ अच्छे मंदिर हैं, तो ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि उन स्थलों को बहुत अच्छे से डेवलप करें, क्योंकि जो बड़े शहर के लोग हैं वो गांव में जाना चाहते हैं सुकून की तलाश में। अगर आप उनको अच्छे से डेवलप करेंगे, और जो बड़े बड़े आपके वो हैं, क्या नाम है, त्यौहार हैं, उस समय आप वहाँ पे मेला लगाते हैं, फंक्शन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका गाँव में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का आना शुरू होगा। लोगों का आना शुरू होगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पर वहाँ पर रोज़गार के अवसर बनेंगे, ढाबा खोलने के अवसर बनेंगे वहाँ पे, और उससे जो आपके धार्मिक कार्य उससे संबंधित दुकानें खोलने के अवसर बनेंगे, खाने पीने की दुकानें खोलने के अवसर बनेंगे। तो ये पूरा गांव मिलकर कर सकता है इसको। रेडीमेड कपड़ों की सिलाई, अगर आपको सिलाई आती है तो आप रेडीमेड कपड़ों की सिलाई कीजिए, गांव से कीजिए सिलाई, और क्या कीजिए, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आपने पहले शुरू किया आपको सीधे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, धीरे धीरे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, वो मिलेंगे बड़े शहर में, वहाँ से आप गांव में लाइए, सिलाई कीजिए और वहाँ सप्लाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, और आपके अंदर कोई भी अगर कोई संदेह, कोई प्रश्न है आपका, उसे पूछिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी सहायता करके। जय हिंद, जय भारत।